सो हेलो जी, की हाल चाल सारियानु, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। मैं आपका अपना छोटा भाई साहिल, और आज आपको भाई टाइटल और थंबनेल देख के पता लग गया होगा कि अपन किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। आज अपन बात करने वाले हैं भाई लद्दाख की पैकिंग के बारे में। लद्दाख में आप एक एज अ बाइकर क्या क्या सामान लेके जा सकते हो, तो वो आज मैं थोड़ा डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो थोड़ा सा ध्यान देना भाई लोगों। और ये जो अपना ट्रिप होने वाला है भाई, ये होने वाला है 22 डेज़ का, मतलब बहुत लॉन्ग ट्रिप होने वाला है। तो प्लीज़ आप बस साथ देना, मज़े करेंगे, चिल करेंगे, फन करेंगे, अपना आशीर्वाद बनाए रखना, अपना प्यार बनाए रखना। एनीवेज अब मैं आपको बताता हूँ कि अपन पैकिंग में क्या क्या पैक करने वाले हैं एज अ बाइकर लद्दाख के लिए। मैं क्या क्या पैक करने वाला हूँ, तो आओ जी 20 दिन के ट्रिप के हिसाब से मैं कितना पैक कर रहा हूँ मेरे को बताना, और आप भी देखो जी। अपन पहले बात करते हैं अपने पास लगेज में क्या क्या है। अपने पास ये दो बॉक्स हैं, एक वो बैग है टेंट बैग, और एक अपना टॉप बॉक्स है, तो इसमें ये सारा सामान पैक करना है। तो ये लो जी, ये है अपना एक 3 सेट इनर लाइनर, ये अपना जो वार्मर होता है ये अपना राइडिंग गियर्स के अंदर पहनना पड़ता है वार्मर्स, और 4-5 चाहिए अपने को टी शर्ट्स, 2 क्या कहते हैं अपना टॉवल्स, एंड 1-2 जैकेट्स, क्योंकि वहाँ ठंड होती है तो मैंने 3 जैकेट्स रख ली हैं, और लोवर वगैरह रात को सोने के लिए आप अपने हिसाब से रख सकते हो। 4-5 पेयर मैंने सॉक्स रख लिए हैं, 2-2 जीन्सेस रख लिए हैं, अंडरगारमेंट्स, और ये वाटरप्रूफ ऊपर की लाइनर्स बरसात वगैरह से बचने के लिए, और ये इनर लाइनर है। यहाँ मेरे राइडिंग गियर्स जिसके अभी पैडिंग निकली हुई है, ये सारी पैडिंग मुझे लगानी है। ये छोटा मोटा सामान जो मुझे पैक करना है, और भाई मुझे नहीं लगता कि ये इस बैग में आ जाएंगे। अभी तो चार्जर्स भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, लाइक कैमरा भी मेरे हाथ में है, लैपटॉप भी है, तो इतना सारा आइटम कैसे पैक होगा ये समझ नहीं आ रहा, कितने बैग बनेंगे आई रियली डोंट नो। और साथ में आपको पीछे दिख रहे होंगे, तो ये हैंकी और कैंस भी रखना पड़ रहा है। हैंकी इसलिए कि अपना बार बार जो है वाइज़र गंदा हो जाता है, कभी मच्छर मर रहे हैं, कभी कुछ मर रहा है, तो वो साफ़ करने के लिए। देन उसके बाद जो कैंस रखे हैं उसमें एक WD-40 है। यहाँ मैं लेके जा रहा हूँ भाई हेलमेट सैनिटाइज़र, ये साफ़ करना पड़ता है बार बार, क्योंकि आपको पता है कि बहुत डस्टी एरिया है वहाँ पर। साथ में लेके जा रहा हूँ एक चैन वैक्स मैक्सिमा का, प्यूटोलाइन का मेरे पास है भाई, चैन डिग्री सर मतलब कि चैन क्लीनर, और साथ में मैं लेके जा रहा हूँ WD-40, कुछ लॉक्स वगैरह, कुछ स्प्रिंग्स वगैरह, कुछ जाम हो जाता है तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा काम आता है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है भाई। साथ में 2-3 क्लॉथ्स रख लिए हैं हेलमेट वाइजर साफ करने के लिए। अपना जो हेलमेट है भाई वो मैं लेके जा रहा हूँ सुपरमैन वाला, और उसमें है ना फॉग वाली वो नहीं है पिन लॉक, एक्चुअली यहाँ मिल नहीं रहा इंडिया में, तो देखता हूँ कुछ ना कुछ इसकी जुगाड़ करनी पड़ेगी, नहीं तो भाई वहाँ तो बहुत ज़्यादा फॉग आएगा और बाइक चलाने में दिक्कत भी होगी अपने को, तो करेंगे उसकी भी कोई ना कोई जुगाड़। एनीवेज भाई लोगों, अब मैं पैकिंग करता हूँ और फिर आपको 2 मिनट में बताता हूँ कितना कितने बैग पैक हुए, कितना पैनियर्स में सामान आया, मुझे खुद भी नहीं पता कि कितना पैकिंग में सामान आएगा कितना नहीं आएगा। सो फाइनली जितना हो सकता था उतनी पैकिंग कर चुका हूँ, दोनों पैनियर्स वो लो चुके हैं, वो रहा पीछे टॉप बॉक्स भर दिया है, अब रह गया है सिर्फ और सिर्फ अपना टैंक बैग, इसका भी जुगाड़ करेंगे, और इसमें पैड्स वगैरह लगा दिए हैं जैकेट्स में, यहाँ पर सारे पैड्स वगैरह लगा दिए हैं। अभी बहुत थक चुका हूँ सीरियसली बता रहा हूँ, तो ये कैमरा बहुत भारी है जब से ये लेंस चेंज किया है ना, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा भारी हो चुका है, और मैं गर्मी के चक्कर में मर रहा हूँ अभी तो। तो फाइनली अभी मैं जा रहा हूँ ऊपर, छोटा मोटा सामान रह गया, लैपटॉप भी है, पहले मेरे को लैपटॉप पर लेमिनेट करना है आज कहीं, मतलब करवा के आऊँगा दूसरा, फिर ये वाला व्लॉग भी एडिट करना है। और आज डेट हो चुकी है भाई लोगों 28 मई, हमारा था पहले सीन 30 मई का निकलने का, बट वो कैंसिल क्यों हो गया, क्योंकि जो साथ में जा रहे हैं वो मेरे धर्मेंद्र भैया, उनकी फैमिली में किसी की डेथ हो गई है, सो हमारा जो प्लान है वो 3 या 4 तारीख में पोस्टपोन हो चुका है। अभी आज कितने दिन रह गए, 5-6 दिन रह गए शायद से। एनीवेज भाई लोगों, मैं आपको एक चीज़ अपडेट कर देता हूँ, मेरे जो व्लॉग्स हैं शायद लेट भी आ सकते हैं, शायद उस टाइम पे भी आ सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते, डिपेंड्स ऑन नेटवर्क। मैं अपनी पूरी तैयारी करके जा रहा हूँ, लैपटॉप वगैरह लेके जा रहा हूँ, जितना हो सकेगा जल्दी जल्दी व्लॉग एडिट करके आपके लिए डालता रहूँगा, बट इसलिए नेटवर्क्स का वहाँ कुछ नहीं पता,
सो आई होप सो बस मैं आपको यही अपडेट देना चाहूंगा कि मेरा नीचे इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा है, वहां जाके आप मेरे को फॉलो कर लेना। जो लाइव स्टोरीज वगैरह होंगी वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, बट जो व्लॉग्स हैं उसमें टाइम लग सकता है। और जिस भी भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो भाई, बहुत अमेजिंग व्लॉग्स आने वाले हैं लद्दाख के ऊपर और एक नई जगह जो हम करने जा रहे हैं। शायद वहाँ बहुत कम लोग पहुँचे हैं, आई मीन यूट्यूबर्स भी बहुत कम लोग गए हैं, राइडर्स तो बहुत ज़्यादा कम गए हैं। शायद इक्का दुक्का ही हर बार मतलब कई बार कर पाता है, बट स्टिल हम भी किस्मत लेके जा रहे हैं। अगर ओपन मिला तो आई एम डैम श्योर वो करके ही आना है मुझे। और आपको पता है कि आपका भाई कितना एडवेंचरस है, अगर वो हो गया ना, लिटरली बता रहा हूँ, लद्दाख का मेरा एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। एक पार्ट तो मैं कर चुका हूँ बट दो पार्ट मेरे कंप्लीट हो जाएंगे, फिर एक और पार्ट है वो ऊपर साइड, वो भी रह जाएगा। एनीवेज भाई लोगों तो जल्दी से कर लेना सब्सक्राइब अगर जिसने नहीं किया हुआ है मेरे चैनल को, क्योंकि देखो बाद में आप लोग अगर रह जाओगे वीडियो से तो रह ही जाओगे भाई। सो बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए और आपका भाई आप लोगों के लिए प्यारे प्यारे एडवेंचरस व्लॉग्स लेके आता रहेगा। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। और आपके मन में कोई भी डाउट है लद्दाख को लेके, पैकिंग को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, तो आप बेफिक्र मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो और अपना कमेंट भी डाल सकते हो यूट्यूब पर, मैं उसका रिप्लाई पक्का ज़रूर दूंगा। चलो जी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए चाहूँगा आपसे इजाज़त। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।